Assalamu alaikum, this is Kasib. In this video, I'm going to show you how to integrate WooCommerce with Genesys theme. So currently, एक client है मेरा, उसको ये issue आ रहा है कि उसकी जो website है, उस पे वो Genesys theme है, लेकिन WooCommerce install है, इसके बावजूद जो है उसका archive category का page जो है उसको products नहीं show करवा रहा, क्योंकि वो theme जो है वो support ही नहीं कर रहा. Genesys theme जो है वो WooCommerce को जो functionality है उसको support ही नहीं कर रहा. ठीक है, तो ये product archive page है. तो इसमें देखें यहाँ पे ब्लॉग टाइप का व्यू आ रहा है. तो इसको हमने कैसे WooCommerce को इंटीग्रेट करना है, उसके लिए हमने थीम जो है उसको कंपेटिबल करना है, हमने WooCommerce सपोर्ट डिक्लेयर करनी है थीम के अंदर. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आपने क्या करना है, डैशबोर्ड पे जाना है. ठीक है, वहाँ पे आप जाओगे फाइल मैनेजर के अंदर. अगर आपके पास सी पैनल है तो बेहतर है कि आप सी पैनल के थ्रू जाओ, ताकि कोई भी अगर एरर आता है तो आप इजीली उसको रिवर्ट बैक कर लो. तो यहाँ पे थोड़ा मसला होता है, डब्ल्यू पी एडमिन जो है वो बंद भी हो जाता है अगर एरर आए कोई तो. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है Genesys थीम है, पेरेंट और चाइल्ड थीम जो हम यूज़ कर रहे हैं इसका. लेट मी शो यू, गो टू अपीयरेंस और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये चाइल्ड थीम है इस नाम से. ठीक है, और यहाँ पे इसको अगर आप ओपन करेंगे तो वो आपको बताएगा इसकी डिटेल, दिस इज अ चाइल्ड थीम ऑफ Genesys. यहाँ से आप क्लियर करोगे पहले कौन सा थीम एक्टिव है. ठीक है, उसके बाद फाइल मैनेजर में जाओगे, थीम्स के अंदर जाओगे और उस फाइल के अंदर जो चाइल्ड थीम है उसको आप एडिट करोगे. तो यहाँ पे ये वाला थीम है हमारे पास. तो करना क्या है, हमने function.php की फाइल को ओपन करना है और यहाँ पे हमने WooCommerce की सपोर्ट एक्टिव कर देनी है एंड पे जाके. यहाँ पे पहले स्टेप पे हमने क्या करना है, एक फंक्शन है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट स्टेप. ठीक है, ये न्यू फंक्शन जो है वो बिल्कुल इसी WooCommerce की फंक्शनैलिटी को इनेबल करने के लिए है. ठीक है, WooCommerce यहाँ पे वैसे ही कमेंट डाल दें ताकि पता चले कि हमारा यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, और उसके बाद आप जो है इसको सेव करोगे और सेव करने के बाद हम इसको यहाँ से क्लोज करेंगे और हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे इसी थीम के अंदर WooCommerce.php की. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फाइल क्रिएट कर लेनी है, न्यू फाइल, तो उसका नाम हम रख लेंगे WooCommerce.php. इसको क्रिएट करेंगे आप और यहाँ पे इसको ऑफ करेंगे एडिट. ओके, कोड एडिट, और इसके अंदर भी हम एक कोड स्निपर जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ये एज इट इज़. ओके, तो इसको आपने क्या करना है, सेव कर देना है. ये बेसिकली WooCommerce की जो हुक्स हैं उसको इनेबल कर रहा है, मतलब कि Genesys थीम के थ्रू, और Genesys थीम में जो इसके डिफ़ॉल्ट लूप चल रहे हैं उनको रिमूव एक्शन के थ्रू जो है वो डिसेबल कर रहा है. ठीक है, ताकि हमारी प्रोडक्ट आर्काइव पेज पे प्रोडक्ट शो हो जाए. अब इसमें हमारे पास जो लास्ट स्टेप रह गया है उसमें हमने थीम सपोर्ट जो है वो एक्टिव करनी है, अगेन function.php के अंदर जाना. ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल एंड पे जाके उसके नीचे जो पहले हमने ऐड किया उसी के नीचे हमने यहाँ पे ऐड थीम सपोर्ट फॉर WooCommerce ये वाला जो है वो एक लाइन का कोड डाल देना. इसको सेव करेंगे. ओके, इसको सेव करेंगे तो जाएंगे हम फ्रंट एंड पे, दोबारा से हम जो है वो प्रोडक्ट कैटेगरी का पेज यहाँ से व्यू करेंगे. तो यहाँ पे अब देखें आप प्रोडक्ट आर्काइव का जो पेज है उसके कैटेगरी के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स थी वो सारी यहाँ पे शो होना शुरू हो गई हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जो WooCommerce के आर्काइव के पेज पे शो होती हैं. तो अभी हमने जो कोड्स वगैरह ऐड किए हैं उसके थ्रू हमने इसको एनेबल किया है Genesys थीम को, ताकि वो WooCommerce के जो डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी और हुक्स वगैरह हैं उनके थ्रू अपनी जो है वो प्रोडक्ट शो कर सके. इसी तरह जो है आप अपनी वेबसाइट पे अगर आप Genesys थीम यूज़ कर रहे हैं तो आप ये वाली फंक्शनैलिटी जो दो तीन स्टेप मैंने बताए हैं इनको यूज़ करके आप यहाँ पे प्रोडक्ट आर्काइव पेज पे प्रोडक्ट शो कर सकते हैं और आल्सो और उसके अलावा आप शॉप पेज को भी उसके अंदर भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं. यहाँ पे हम देख लेते हैं शॉप पेज है, तो हमारे पास यहाँ पे देखें नीचे जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका प्रोडक्ट जो है वो पेज शो हो रहा है यहाँ पे. ठीक हो गया, तो इस तरह जो है आप अपने किसी भी थीम में WooCommerce की सपोर्ट जो है इनेबल कर सकते हैं. सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू फिगर आउट योर इश्यू. थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.